मेरी तरक्की राई कलाकारा पुजवैरी बने यारा कुछ पक्या पियारा लगता तबाही मैं दिमाग तो बीमारा कहते मुंडा ये रोंग लुत्ती ला आज की ताजा खबर आज रात 12 बजे के बाद पीएम बदल जाएगा और पीएम बदल जाने के बाद पीएम की जगह एएम आ जाएगा कसम से। भाई इतने परेशान क्यों हो? शेख साहब 2 साल हो गए हैं ये मोबाइल नहीं बिक रहा, इसकी कीमत भी कम करके देखी है। शेख साहब के होते हैं नो मुश्किल, शेख साहब तुम्हें ये बेच के दिखाएंगे। चा? तुमने एक काम करना है, कान करो इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई अच्छा सा फोन ही दिखा दे। ये लो भाई, बहुत अच्छा मोबाइल है ये। ओए ये कितने का मोबाइल है? 26,000 का। ओए ऊंची बोलो, तुम्हें पता मुझे कम सुनता है। 26,000 रुपए का। सुन लिया, 20,000 का है। बहरा होने की वजह से 26,000 वाला फोन 20,000 का, फायदा उठाते हैं यार। शेख साहब जो मोबाइल 15,000 का नहीं बिका, आपने 20,000 रुपए का सेल कर दिया। वाह, मानते हो फिर शेख साहब की जहानत को? सच है भाई सच है। अच्छा तो तुम होमवर्क करके आए हो? जी सर, मैंने सारा होमवर्क किया है। सर आपने जो कल लेसन दिया था वो भी मैं अच्छे तरीके से याद करके आया हूँ और मेरे टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं सर। वेरी गुड, ये होते हैं ना स्टूडेंट। हाँ भी पुत्री, स्कूल का काम करके आए? ओ सर जी, साड़ी मज बीमार हो गई सी, टाइम नहीं मिलया। ओ हर रोज तेरा नवे तू नवा बहाना होंदा कोई। तमीज नाल सर, मैनू पता केड़े राह तो तू लंघ के जाना है, उत्थे फड़ के तेनू सारे सर बन प्यो ना बन। की लास्ट में एक गाना आया था, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, तब हम लोग समझ नहीं पाए आखिर में वो गाना नहीं, उस असरा 2020 की चेतावनी थी। दोस्तों मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोरोना के इस वक्त में पब्लिक में जब आप जाएं तो सिर्फ मास्क पहन के जाएं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। पब्लिक में आप जब भी जाएं तो बाकी कपड़े भी पहन। जानी जलेबियां बना दूं आपके लिए? आती हैं तुम्हें बनाने? ट्राई कर लेती हूँ। वाओ, चलो फिर बनाओ। ओ सच, नमक ही खत्म हुआ है। अच्छा तो चीनी है? हाँ है। तो फिर पकोड़े बना ले। अरे जा, नहीं तेरी जरूरत मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं, जब देखो तब बोलो बोलो बोलो। अरे कहाँ से लाओ इतनी बात? अरे हट, निकल, तेरी जरूरत ही नहीं, चल निकल। ए, भाई 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 हो गया ना यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, फोन क्यों काट रहा है बेचारी का? अरे फोन थोड़ी काट रहा हूँ, म्यूट से तो हटा लूँ।
हेलो आजान कहाँ गई थी इतनी देर? आयो रे माँ और भाई क्या बोला है डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर ने बोला तेरी बीवी के पास सिर्फ दो दिन है यार। सॉरी भाई। सॉरी की कोई बात नहीं यार, निकाल लूंगा ये भी दो दिन। मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के प्यार में 18 चैप्टर लिख डाले। वाह अंग्रेजो, मोहब्बत तुहाडियां ते सैपलियां साडियां। ओ शेख साहब मैंने एक आदमी को गलती से 5,000 सेंड कर दिया, अब वो वापस नहीं कर रहा, उसका कुछ करे शेख साहब। वो अभी 10,000 वापस आ जाता है। अच्छा वो कैसे शेख साहब? मुझे पठान बनना पड़ेगा, दो फोन अभी वॉइस मैसेज करते हैं उसे। बड़ा हमें बड़ा खुशी हुआ तुमने हमारा 5,000 रख लिया, अब तुम मेरी है। अडिलारा पे बैठो खुशबू लगा के हम तुम्हें पेशावर से लेने आ रहा है। ये पकड़ो फोन, अभी फोन आएगा उसका। आ गया उसका शेख साहब कॉल आ गया। सुनो क्या कह रहा है? खान साहब 5 की जगह 10,000 वापस ले लो। अभी पेशावर से लेनी ना ना प्लीज, मुझे तो वैसे भी कोरोना है। मेरे बाबू ने ना मुझे 125 गिफ्ट की है। मेरे बाबा ने ना मुझे हैवा बाइक लेके दिया, हैवा बाइक। और भाई मेरे बाबा की तनख्वाह महीने की पता तुझे कितनी है? 20,00,000। मेरे बाबा तो महीने में करोड़ों रुपया यूं उड़ा देते हैं, यूं उड़ा देते हैं करोड़ों रुपया। और भाई तुझे पता है मेरी मामा ने मुझे बचपन में लड़की बनाया था। बस इतनी सी बात? अरे भाई तेरा भाई तो पैदा ही खुसरा हुआ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक। यार तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है? प्यार दार नहीं करती, कपड़े पहने इसने मेरे। भाई यार मैं सवेर तक कुछ भी नहीं खादे, लास्ट से कुछ दे दे। अच्छा यार मेरे को टूटे पैसे नहीं है, चेंज आई 500। आहो भाई है मेरे को 500 दा चेंज। जा फिर पहले आया मुका गया। यार भाई तुझे पता है जब मैं पास हुआ था मेरे अब्बू ने मुझे 5,000 का सूट लेके दिया था। बस ओ भाई जब मैं फेल हुआ था ना मेरे अब्बू ने मुझे 1,50,000 का रक्षा लेके दिया था। शेख साहब आज हमें कोई नसीहत तो करें। दोस्तों मेरी बात एक हमेशा याद रखना, अगर आपके घर मेहमान आए तो उसको 2 रोटियों की भूख है ना तो उसके आगे 3 रोटियां रखना। शेख साहब 2 की भूख हो तो तीसरी किस लिए? वो इसलिए, वो जो तीसरी रोटी होगी वो हमारी इज्जत के लिए होगी। ठीक शेख साहब, मेरे घर में मेहमान है, मैं उसको रोटी खिला के आया। A few moments later. ओ शेख साहब वो जो मेहमान आया था उसने तो हमारी इज्जत पे हार डाल दिया, वो तो तीसरी रोटी भी खा गया। वो जो इनके घर मेहमान आया है ना वो भी लगता मेरी तरह शेख ही था। बेटा इस क्लास के अंदर जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा खड़े होकर जवाब दिए वो बिना कहे खड़ा हो जा। हाँ बेटा हो गया खड़ा। अब तू मान ले तू एक यूट्यूबर है और तूने किसी टिकटॉकर को रोस्ट कर दिया। oh, no. और जज साहब ने तुझे फांसी की सजा सुना दी। oh, no. तो तेरी आखिरी इच्छा क्या होगी उनसे? सर मैं जज साहब से कहूँगा, जज साहब मुझे फांसी चढ़ानी है तो चढ़ा दो। oh, no. लेकिन लेकिन क्या? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक चाहिए। कैसे भी करो चाहिए, मुझे चाहिए। है जो इरादे बता दू सबको, शर्मा ही जाएगा तू। अगर आप लॉकडाउन में घर बैठे परेशान और बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें, हम कौन से जन्नत में हैं?